और चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से खबर आ रही है जहां सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। करीब 50 मिनट तक दोनों के बीच बैठक चली और उसके बाद मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो बड़ी खबर, दिल्ली तक सियासी हलचल देखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले, दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बैठक चली और इस दौरान राजस्थान की राजनीति को लेकर, राजस्थान में क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर चर्चा की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद आज सोनिया गांधी से मिले। करीबन 50 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चली और ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस के टिकटों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बातचीत का यही नतीजा निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं, और ऐसे में अब सीएम एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से रवाना हुए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई, करीब 50 मिनट तक ये बैठक चली, ऐसे में क्या कुछ बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में अगर कहें तो राजस्थान में रवानगी होने से पहले इन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और एक तरह से एक बेहद अहम मुलाकात मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीब 4 महीने के बाद दिल्ली दौरा हुआ है, अगर बात कहें उनके जब से उनके पाँव में चोट लगी और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जून के बाद ये दौरा हुआ है 4 महीने बाद, और एक तरह से सोनिया गांधी से भी जिस तरीके से उनकी मुलाकात आज हुई है, पहले मुलाकात जो है इससे पहले करीब देखिए आ गया 6 महीने हो गए इस मुलाकात को, तो आज की मुलाकात को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है कि 45 दिन बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। राजस्थान के सभी टिकट जो प्रत्याशी हैं, 200 प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार हैं वो उनके फाइनल होने वाले हैं अगले एक सप्ताह के अंदर, तो इस बैठक को बेहद अहम माना जाए राजनीतिक चुनाव के हिसाब से कि किस तरह से जो है राजस्थान की क्या स्थिति है क्या नहीं है वो सारा फीडबैक देना हो, या चाहे अगर बात करो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदालत के बाद जो समझौता हुआ था 26 मई को, और उसके बाद से ही लगातार राजस्थान में जमीनी स्तर पर किस तरह से कवायद चल रही है, किस तरह से पार्टी के अंदर जो है मजबूत हो रहे हैं या क्या स्थिति, वो सारी फीडबैक देने के साथ ही आगामी जो चुनावी रणनीति है, चुनावी दौरों को लेकर हो बातचीत हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी हमारे साथ निकली जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में जो हम अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं, जहां से वो सरदार शहर चूरू के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए, और वहां पर जो आज मूर्ति का अनावरण समारोह है उसमें शिरकत करने के बाद 3 बजे वो जयपुर के लिए रवाना होंगे, करीब 4 बजे तक उनके जयपुर पहुँचने का कार्यक्रम है। लेकिन उस जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई भी दिल्ली का दौरा होता है और इस दिल्ली दौरे की जो आखिरी कड़ी होती है वो सोनिया गांधी से मुलाकात की होती है, प्रियंका गांधी से या मुलाकात से होती है, लेकिन कल जिस तरीके से चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी, घोषणा करने के साथ ही अगर कहें तो नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 6 नवंबर है, यानी कि आज से करीब 1 महीने से भी कम समय का शेष रह गया है, करीब आप मानिए 26-27 दिन का रहेगा जब वो समय है, जब आखिर यानी कि अगले 25-26 दिनों के अंदर सब कुछ टिकट फाइनल करने के साथ ही उन लोगों को मैदानी चुनाव में अगर कहें तो पूरी तरह से नामांकन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब बहुत दबाव है क्योंकि बीजेपी ने कल पहली सूची जारी कर दी, पहली सूची में भी 7 सांसदों को टिकट दिए हैं और इस रणनीति 7 सांसदों को टिकट देने से जो कह सकते कांग्रेस की रणनीति में भी अहम बदलाव आ सकता है। उसी के लिए कल रात को जो है केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव है उनसे लगातार करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात जो है हुई है, प्रदेश प्रभारी रंधावा मौजूद रहे, इसके साथ ही अगर बात करें पीसीसी चीफ डोटासा मौजूद रहे, अभी फिलहाल बात करें कल देर रात की बात करें तो करीब 10:30 बजे जो है गोगोई हैं उनकी मुलाकात हुई है सेम से, और अभी 11 बजे जो है 15 GRG में अलग से एक बैठक चल रही है जिसमें गोगोई हैं और इसके साथ ही सभी प्रभारी हैं, यानी कि राजस्थान के लिए अगला एक सप्ताह जो है पूरी तरह से प्रत्याशियों के चयन पर टिका रहेगा, और आज की जो मुलाकात है उसको भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में सचिन पायलट का भी एक बड़ा मुद्दा है कि वो कितने टिकट चाहेंगे, किस तरीके से स्थितियाँ होगी, और गहलोत का भी अपना एक रुझान है पार्टी को जीतने के लिए, जो पार्टी के अंदर जो बात कही है जिताऊ उम्मीदवार, वो सारी चीज़ों पर आज चर्चा होने की संभावनाएँ चर्चा हुई हैं ऐसा संभावित है, और बाकी हम मुख्यमंत्री गहलोत का इंतजार कर रहे हैं कि वो अभी आएंगे पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जी।
निज़ाम, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बेहद अहम मायने निकाले जा रहे हैं। और निज़ाम, एक तरह से कहीं ना कहीं ये कयास भी इस बैठक के बाद लगते हैं कि अब कांग्रेस की भी सूची कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इसमें अपना पहला दाव खेल चुकी है। बेशक हिमादी, देखिए कि अगले 16 माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह के अंदर जो है पहली सूची, खासतौर से 16 अक्टूबर को एक माना जा रहा है कि वो पहली सूची कांग्रेस जारी करेगी, जब करीब 100 से लेकर 120 के प्रत्याशियों का नाम जो है कह सकते हैं उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा दबाव आ चुका है, क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी की जारी कर चुकी है और तब तक 15 तारीख तक जो है बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, उसके भी एक संभावनाएँ हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ऊपर बड़ा दबाव है, क्योंकि अब साथी, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि उनके पास चुनाव में, यानी कि जिस दिन चुनाव होने हैं 23 नवंबर को, उसके लिए भी केवल 1.5 माह का वक्त है, 45 दिन का वक्त है, और अगर 30 अक्टूबर को कह सकते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 6 नवंबर आखिरी नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि अगले 26 दिन में न केवल टिकट फाइनल होने बल्कि उन सभी प्रत्याशियों को अपने टिकट कहीं तो उनको अपना नामांकन। बिल्कुल निज़ाम, तो एक महीने से भी कम का समय बचा है, और ऐसे में अब कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कवायद तेज होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार